आप सभी का स्वागत है दोस्तों सर जी क्लासेस में। तो जैसे कि हम लोग इंग्लिश कवर कर रहे थे आपका कॉल इंडिया लिमिटेड एग्जाम के लिए, तो देखिए प्रीवियस क्लास में हमने टेंस के बारे में देखा था, टेंस के जितने भी टाइप्स होते हैं और उसके जनरल फॉर्मूला क्या होते हैं और किस तरीके से है जो कि हम कोई भी गिवेन सेंटेंस होगा तो उसको देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जैसे ये गिवेन जो भी सेंटेंस है वो किस फॉर्मेशन यानी कि कौन सा टेंस का वो टाइप्स है। तो जैसे कि आपका सेंटेंस है तो उसमें आपने दीदी फॉर्मूला को ध्यान से देखा होगा तो आपको बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई मतलब कि आप कर सकते हैं कि जैसे ये गिवेन जो सेंटेंस है वो आपका कौन सा टेंस का फॉर्म है यानी कि कौन सा टाइप्स है। तो क्योंकि देखिए ये जो है आपका सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना कि ये कौन सा टेंस का फॉर्म है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जो आगे का क्लास आपका रहेगा जिसमें कि हम लोग एक्टिव पैसिव या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का देखेंगे हम लोग, तो वो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि वो सारा जो भी बेस्ड आपका है तो वो आपका टेंस का पहचानने के बेसिस पे ही है, क्योंकि सबसे पहले आपको टेंस को पहचानना होगा। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले क्लास में आए भी बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करा दिया है, तो यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप लोग उसको जरूर देख लेना। जैसे कि हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस स्टार्ट किया हुआ था, फिर उसके बाद प्रीपोजिशंस, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद क्वेश्चन टैग्स, तो ये सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी खत्म कर लिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उन सारे वीडियोस का, इंग्लिश का हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना तो आपको वहां से सारे मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग यानी कि कितने टाइप से क्वेश्चन जो है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे दो टाइप में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो ये आपका टाइप वन है जिसमें कि आपका एक प्रोबेबिलिटी ये रहेगा कि इस टाइप से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, और इसके बाद में जो टाइप टू आपका होगा तो उसमें हम लोग देखेंगे वहाँ भी कि जो क्वेश्चन है आपका वो दूसरे टाइप से किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस दे रहे हैं और इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे इसका टेंस का यानी कि आपको कौन सा टेंस इसका है, टाइप ऑफ कौन सा टेंस है ये आपको पहचानना होगा। इसके बाद हम लोग एक्चुअल एक्सरसाइज पे आएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आखिर ये गिवन सेंटेंस है तो ये कौन सा टेंस का फॉर्म में है यानी कौन सा टाइप का है। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका है कि आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई कंप्यूटर फॉर 6 आवर्स। अब इसमें देखिए आपका जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे आपने फॉर्मूला यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो आप लोग बहुत ही इजिली इसको पहचान सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देखिए भाव को देखिए, इसमें आपका जैसे वर्किंग आपका दिया हुआ है तो वर्क है, इसमें आईएनजी फॉर्मेशन दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, और साथ में है भी का भी यूज इसमें हुआ है तो इसका मतलब है कि ये आपका परफेक्ट यानी कि परफेक्ट भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। अब ऑप्शन में देखिए आप किस में परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो आपका देखिए कि जिसमें ये वाला है इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है, लेकिन बाकी और जो दो ऑप्शन है तो उसमें आपका ये दिया ही नहीं है, तो इस तरीके से दोनों एलिमिनेट तो आपका इसी तरीके से हो गया। तो बाकी आपका क्या होगा, अब यहाँ पे ये प्रेजेंट है आपका कि पास्ट है या परफेक्ट है, तो वो आपको यहाँ पे पूरा जो सेंटेंस है उसको पढ़ने समझ में आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आई हैव बीन वर्किंग, तो बीन आपका है तो मतलब कि ये आपका क्या दिया हुआ है कि जैसे प्रेजेंट फॉर्मेशन आपका हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपका जो गिवन है वो आपको क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो आपको इसी तरीके से पहचानना होगा। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं ताकि आप लोग सबसे पहले ये पहचान ले कि आखिर ये कौन सा यानी कि टेंस का ये कौन सा टाइप्स है। इसके बाद हम लोग एक्चुअल एक्सरसाइज करेंगे, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा इस तरीके से, जो आएगा आपका वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर देखिए अगला आपका है कि सी हैज़ लिव्ड इन दिस स्ट्रीट फॉर 10 ईयर्स। अब यहाँ पे देखिए आपका जैसे कि दिया हुआ है लिव्ड की बात कही जा रही है, और इसमें आपका फोर का भी यूज़ किया गया है और इसमें हैज़ का भी यूज़ किया गया है, तो इस तरीके से जैसे आपका इसमें हैज है तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, तो परफेक्ट आपका तो होगा ही होगा। अब उसके बाद देखिए इसमें आपका दो ऑप्शन आपका एलिमिनेट इसी तरीके से हो गया, आपका जो सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल पास्ट है, इसमें परफेक्ट कहीं भी है भी नहीं, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना ही से आप लोग हैज से ही देख के इसको यहाँ से आपने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन आपको पूरा समझ में आना चाहिए कि कैसे आपका ये जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट है। तो देखिए ये क्या है कि जैसे इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी यानी कि इसमें रहने की बात कही जा रही है कि वो 10 साल से वहाँ पे क्या कर रहा है, रह रहा है यहाँ पे, यानी कि वो स्ट्रीट है वो 10 ईयर से वो रह रहा है यानी कि वो रह रही है यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस आपका हो गया। फिर देखिए अगला एग्जाम्पल आपका है कि आई फिनिश द प्रोजेक्ट यस्टरडे।
अब इसमें देखिए प्रोजेक्ट फिनिश करने की बात कही जा रही है और इसमें यस्टरडे भी आपका दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये पास्ट की बात कही जा रही है। तो देखिए इसमें आपका पास्ट किस में दिया हुआ है, तो एक आपका ऑप्शन ए मतलब इसी में आपका है, बाकी और में नहीं है, तो ये सबका इसी तरह से एलिमिनेट आपका हो गया। तो बट आपको यहाँ पे पूरा सेंटेंस को पहचानना होगा। तो यहाँ पे सिंपल आपका दिया हुआ है कि आई फिनिश द प्रोजेक्ट यस्टरडे, तो इसमें ना तो कोई आईएनजी फॉर्म है और ना तो इसमें हैज हैव या हैड का यूज किया गया, तो ये भी परफेक्ट भी नहीं होगा आपका। तो ये क्या होगा आपका, ये सिंपल पास्ट का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस को देख के पहचानना होगा। फिर उसके बाद देखिए अगला है कि व्हाट आर यू डूइंग देयर। अब इसमें देखिए यहाँ पे आपका जैसे डूइंग आपका दिया हुआ है, तो वर्ब आपका मतलब कि यहाँ पे जो है वो आईएनजी फॉर्म में है, तो मतलब ये क्या आपका होगा, ये कंटिन्यूअस फॉर्म का होगा। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फिर आपका जैसे कि फ्यूचर का है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखिए जैसे आर आपका दिया हुआ है, तो इज एम आर जब भी लगता है आपका तो आपका क्या बताता है, प्रेजेंट का बताता है। तो इस तरीके से क्या आपका हो जाएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि ये वाला होगा इसमें। और परफेक्ट यदि होता तो उसमें कहीं ना कहीं हैज हैव का यूज़ किया होता, और यदि उसमें मान लीजिए कि जैसे पास्ट होता तो उसमें वाज वेयर का यूज़ किया रहता। तो इस तरीके से आप लोग इसको बहुत ही इजीली पहचान सकते हैं इसको। फिर देखिए अगला आपका है कि सी हैड नॉट रियलाइज डैट। अब इसमें देखिए आपका जैसे हैड का यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं परफेक्ट होगा। तो देखिए उसके बाद आप लोग आगे पढ़िए कि सी हैड नॉट रियलाइज डैट। अब इसमें जो रियलाइज आपका है, तो ये भी आपका क्या है, पास्ट फॉर्म में है। तो इस तरीके से ये आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका ये वाला हो जाएगा आपका। तो इसी तरीके से है जो आप लोग बिल्कुल इजिली पहचान सकते हैं। फिर अगला देखिए कि सुसेन विल बी ज्वाइनिंग अस। तो इसमें देखिए आपका जैसे ज्वाइनिंग है, तो मतलब ये कंटिन्यूअस फॉर्म का है, और इसमें विल का भी यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब है कि ये आपका क्या होगा, विल है तो फ्यूचर होगा, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्मेशन आपका है, तो मतलब ये कंटिन्यूअस फॉर्म का होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो इसलिए आंसर आपका क्या, ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। तो इसमें देखिए जैसे कि आपका इसमें ना तो हैज हैव का भी यूज़ किया गया है इसमें, तो इस तरीके से ये आपका जैसे परफेक्ट नहीं होगा। तो ये आपको पहचानने में बहुत ही हेल्पफुल करता है, ये सारे जो फॉर्मूले होते हैं, मतलब जो मैंने आपको बताया था, तो वो सारे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए यहाँ तो हम मैंने आपको जैसे कि ये सब सेंटेंस को पहचानने के लिए बताया था, आपको लिया था हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स, ताकि आप लोग गिवन सेंटेंस को देखते ही पहचान जाए कि वो टेंस का कौन सा टाइप्स है। बट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे तो वो आपके इस तरीके से आएंगे, यहाँ पे जैसे आपका रहेगा कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली। तो यहाँ पे एक तरीके से तो आपका ये रहेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए, जो कि आपका टेंस बेस्ड ही रहेगा, और एक क्वेश्चन आपका रहेगा एरर बेस्ड, यानी कि जैसे वर्ड्स या फ्रेजेस आपका दिया रहेगा और आपको बताना है कि कौन सा उसमें से जो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फिलर वाला भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से आपका वहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था कोल इंडिया लिमिटेड एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपका है कि द लास्ट रेज ऑफ द सन डैश फेडिंग अवे व्हेन आई रिस्ट होम। तो यहाँ पे जैसे घर पहुँचने की बात कही जा रही है कि जब वो पहुँच चुका था, तो इसका मतलब है कि ये आपका क्या होगा, पास्ट मतलब कि है इसमें पास्ट टेंस का, ये जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए रेज आपका है, तो रेज है तो बहुत सारे रेज है, तो रेज के लिए हम लोग प्लूरल वाला यूज़ करेंगे, जैसे वाज वेयर हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट के लिए, लेकिन हम लोग वाज यूज़ करते हैं सिंगुलर, और प्लूरल के लिए वेयर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे रेज है तो इसलिए क्या यूज़ होगा, यहाँ पे वेयर का यूज़ होगा। तो आपको इस तरीके से है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं इसके, जो कि आपके एक्चुअल एग्जाम में आपको इसी तरीके से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आपके रहेंगे कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली, यानी कि जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा करेक्टली, वो भी आपका ग्रामेटिकली बेस्ड करेक्ट होना चाहिए। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे तो हम टेंस का एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका टेंस से रिलेटेड होगा, बट एग्जाम में आपको वहाँ पे लिखा हुआ नहीं आएगा कि ये किसका है। तो आपको वहाँ पे सेंटेंस को देखते ही पहचान जाना होगा कि हमको इसमें आखिर मतलब कि क्या इम्प्रूवमेंट करना होगा, या फिर ये किस पोर्शन से है ग्रामर का। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको पहले आइडेंटिफाई कर लेना। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हेन आई ओपन माय आईज आई डैश अ स्ट्रेंज साइट। तो यहाँ पे देखिए बात कही जा रही है कि जैसे ही उसने आँख खोला, तो यहाँ पे ओपनड आपका दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ पे जो एक्शन है वो पास्ट में हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, पास्ट वाला ही जो है यानी कि यूज़ करेंगे। तो सिंस यहाँ पे दो इवेंट है जो कि पास्ट मतलब कि हो चुका है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि उसमें हुआ था, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो यूज़ करेंगे तो वो भी पास्ट वाला ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सा है, तो ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि एवरी मॉर्निंग सी डैश अप अर्ली एंड गेट्स रेडी फॉर वर्क। तो यहाँ पे भी देखिए जैसे बात कही जा रही है कि एवरी मॉर्निंग, और जैसे कि यहाँ पे एक हैबिट के बारे में बात कही जा रही है कि एवरी मॉर्निंग, और यानी कि उठने की बात कही जा रही है, तो जैसे ये आपका क्या हुआ, एक हैबिचुअल एक्शन हो गया। तो आपको मैंने रूल में बताया था कि जब टेंस मैंने आपको पढ़ाया था उसमें, कि जैसे कोई भी यदि रूटीन एक्टिविटीज़ होती है, यानी कि जैसे आपका हैबिचुअल एक्शन हो गया या फिर और भी कोई रूटीन एक्टिविटी होता है, तो उसको हम लोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो वर्ड यूज़ करेंगे तो वो भी आपका सिंपल प्रेजेंट वाला ही होगा। तो इसमें देखिए जो आपका वेक्स दिया हुआ है तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी कि एवरी मॉर्निंग सी वेक्स अप अर्ली एंड गेट्स रेडी फॉर वर्क। अब इसमें देखिए सिंस आपका वॉकिंग दिया हुआ है तो ये आपका कंटिन्यूअस वाला है, हैज़ वॉकन है तो ये आपका जैसे कि ये आपका यानी कि इसमें आपको जैसे परफेक्ट वाला आपका वर्ड हैज आपका है इसमें, और उसके बाद वॉज वॉकिंग आपका है तो इसमें भी देखिए आईएनजी फॉर्म है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एलिमिनेट आप कर सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान देना है कि जैसे सेंटेंस मेरा है तो वो किस फॉर्म में है, यानी कि वो किस टाइप का है, हैबिचुअल एक्शन वाला हो या यूनिवर्सल ट्रूथ वाला हो। तो इन टाइप के जो सेंटेंस होते हैं तो उसको हमको हाँ हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रखना होता है। अब फिर देखिए अगला आपका है, तो इसमें भी आपका इसी टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा कि जैसे आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होगा सेंटेंस को, तो ये फिलर बेस्ड क्वेश्चन आपका रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपका क्वेश्चन है कि इफ आई न्यू व्हाट ही वांटेड आई डैश दिस। अब यहाँ पे देखिए आपका कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस आपका है यहाँ पे, तो देखिए कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस मैंने आपको नहीं बताया था, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कंडीशनल बेस्ड जो सेंटेंस होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं और उनका रूल क्या क्या होता है। तो देखिए जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तो इसमें हम लोग को जैसे कि एक कंडीशन दिया रहता है, यानी कि जैसे कोई एक उसमें वर्क जो हुआ रहेगा आपका वहाँ पे, तो वो कोई मतलब एक कंडीशन पे बेस्ड रहेगा। तो जैसे कि इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे आपका दिया हुआ है कि यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। तो इसमें आपका जैसे कि कंडीशनल सेंटेंस आपका प्रोवाइडेड दिया है यहाँ पे, मतलब कि जब तक यानी कि तुम सक्सीड हो सकते हो, यानी कि सक्सेड कब हम हो सकते हैं कि जब हम वर्क हार्ड करेंगे यानी कि मेहनत करेंगे। तो यहाँ पे जैसे एक कंडीशन आपका दिया हुआ है तो प्रोवाइडेड का, तो इसी तरीके से जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तो आपको यहाँ पे पहचानना होगा। तो कंडीशनल सेंटेंस बेसिकली देखिए कौन कौन से होते हैं, तो ये आपका मतलब कि आप कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा, तो आपको सेंटेंस में ये वर्ड आपको वहाँ पर मिलेगा लगा हुआ, जैसे आपका इफ हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, एज सुन एज हो गया, नो सूनर हो गया, वेन हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, तो ये सारे जितने भी है मतलब कि ये कंडीशनल सेंटेंस में आपको ये जैसे कि इंडिकेट कर देंगे कि ये जो सेंटेंस आपका है वो कंडीशनल बेस्ड है। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशनल सेंटेंस के जैसे कि इसके दो रूल होते हैं, यानी कि इसके जो रूल्स होते हैं बेसिकली, और इसमें दो भाग होते हैं इसके, यानी कि दो मेन इसके पार्ट होते हैं। एक आपका होता है इफ क्लाउज, यानी कि इफ के साथ आपका जो कंडीशनल क्लाउज आपका रहेगा, और जैसे इफ है तो उसके साथ और भी आपका हो सकता है जो कंडीशनल जैसे कि होते हैं बेस्ड वर्ड जो होते हैं, और एक आपका रहेगा उसमें मेन क्लॉज रहेगा। तो जैसे इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। तो यहाँ पे देखिए आपका जैसे कि एक आपका इफ वाला आपका क्लॉज हो गया जो कि कंडीशनल बेस्ड है इसमें, और दूसरा इसमें है कि मेन क्लॉज है, तो क्योंकि कंडीशन इसमें दिया हुआ है कि इफ अगर मैं वहाँ यानी कि अगर मैं दिल्ली आता तो मैं तुमसे मिलता, तो ये इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये कंडीशनल सेंटेंस आपका है क्योंकि इसमें कंडीशन दिया हुआ है। तो कंडीशनल सेंटेंस देखिए ये बेसिकली जो होते हैं, ये बेसिकली ये थ्री टाइप्स के आपके होते हैं, यानी कि थ्री टाइप्स का जैसे कि आपका यहाँ पे सेंटेंस बनते हैं इसके, हालांकि और भी होते हैं लेकिन जो मेन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं तो आपका इन्हीं तीन टाइप से आते हैं। एक आपका होता है जैसे कि द इफ क्लाउज आपका है, वो आपका प्रेजेंट टेंस में होगा तो इसको हम लोग दर्शाते हैं रियल कंडीशन से, और एक आपका होता है कि जैसे इफ क्लॉज आपका है वो पास्ट टेंस में रहेगा, और एक जो रहता है आपका कि जैसे इफ क्लॉज है तो वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा। तो इस तरीके के यहाँ पे जो कंडीशन आपके बनेंगे, तो जो आपका प्रेजेंट टेंस में इफ क्लॉज अगर रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग रियल कंडीशन, और यदि मान लीजिए कि इफ क्लॉज आपका है तो वो यदि पास्ट टेंस में रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोथेटिकल कंडीशन, और यदि आपका इफ क्लॉज जो है वो अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो इसको बोलते हैं हम लोग इम्पॉसिबल कंडीशंस बनते हैं। तो इन तीनों को हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे इसके रूल क्या होते हैं, और इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, और यदि इनसे यदि क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो बिल्कुल आप लोग इजिली इसको कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग एक बार इसको ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पे देखिए पहला है कि मान लीजिए कि यदि आपका जो इफ क्लॉज है वो अगर प्रेजेंट टेंस में है तो ये आपका एक रियल कंडीशन को मतलब ये दर्शाएगा,
तो इसका एक जनरल फॉर्मूला आपका होता है, मतलब फॉर्मूला बस आप लोग इसको याद कर लेना इसको, कि जैसे यदि इफ अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो मेन में आपको उसको क्या रखना होगा, जो मेन क्लॉज होगा उसको आपको सिंपल फ्यूचर में रखना होगा। तो बस इसमें आपका यही रूल है, यानी कि आपको इसमें यही याद रखना है कि अगर इफ क्लॉज यदि सिंपल प्रेजेंट में आपका दिया हुआ है तो जो मेन क्लॉज होगा आपका तो उसको हमको हमेशा सिंपल फ्यूचर में रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आपका दिया हुआ है कि जैसे देखिए कि इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, तो इसमें देखिए आपका यहाँ पे क्या है कि जैसे इसमें कंडीशन क्लॉज आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका यहाँ पे इफ है, यानी कि जो आपका यहाँ पे इफ लगा हुआ है और कम टू दिल्ली, तो ये आपका किस में दिया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट में है। तो इसके साथ जो मेन क्लॉज में क्या आपका यूज करना होगा यहाँ पे, मतलब मेन क्लॉज को किस में रखना होगा, तो सिंपल फ्यूचर में रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने रखा इसमें कि आई विल मीट यू, तो विल हमने इसमें यूज किया, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका राइट है, यानी कि हमने इसको मेन क्लॉज को किस में रखा, सिंपल फ्यूचर में रखा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका यहाँ पे इफ आई विल दिया हुआ है, हमने यहाँ पे पहले ही इसको सिंपल फ्यूचर में रखा हुआ है, तो ये वाला क्या होगा आपका, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें आपका क्या होना चाहिए कि जो आपका मेन क्लॉज है वो आपका सिंपल फ्यूचर में आपका होना चाहिए, जैसे आपको यहाँ पे विल लगा हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना यदि आपका इफ के साथ यदि सेंटेंस आपको मिलता है तो। और कैसे पहचानेंगे हम लोग कंडीशनल सेंटेंस, तो उसके लिए आपको मैंने कीवर्ड्स बताया है कि कौन कौन से कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस होते हैं, किस कैसे हम पहचान सकते हैं, तो उस तरीके से आप लोग उसको ध्यान रखना। अब देखिए जो सेकेंड है आपका यहाँ पे बी वाला है, यानी कि इफ क्लॉज अगर मान लीजिए कि वो आपका पास्ट टेंस में है, तो इसके बाद जो मेन क्लॉज आपका होगा तो उसको हमें वहाँ पे हमको वुड का यूज़ करना होगा, और वी वन फॉर्म हमको वर्ब का यानी कि वी वन फॉर्म यूज़ करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि जैसे आपका दिया हुआ है कि इफ़ आई हैड मनी, तो यहाँ पे देखिए आपका जैसे कि हैड लगा हुआ है, तो मतलब इसका क्या है, ये पास्ट फॉर्म में आपका है ये। अब उसके बाद देखिए जैसे कि हम इसके बाद जो मेन क्लॉज होगा तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या यूज़ हमने किया हुआ है कि आई वुड लेंड इट टू यू। अब देखिए इसके साथ एक आपका वेयर के साथ भी यूज होकर होता है, तो यहाँ भी देखिए जैसे कि आपका वेयर भी है तो ये भी आपका जैसे पास्ट टेंस का ही वर्ड है। तो यहाँ पे सिंस आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि जैसे कि इफ़ आई वेयर अ प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ भी आपका क्या है कि जैसे जो इफ क्लॉज आपका क्या है, ये पास्ट टेंस में आपका है। तो इसके बाद जो मेन क्लॉज आपका होगा तो उसमें हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पे वुड का यूज़ किया गया है कि आई वुड डू अ ग्रेट जॉब, तो यहाँ पे जो भाव आपका है तो वो वी वन फॉर्म में आपका होना चाहिए। तो ये दो रूल आप लोग यहाँ पे याद रखना। अब उसके बाद देखिए जो तीसरा इसका कंडीशन बनता है आपका, तो बेसिकली देखिए ये एक इम्पॉसिबल कंडीशन होता है कि जैसे कि यदि इफ क्लॉज आपका है वो यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका होगा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहचानने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका जैसे हैड लगा हुआ मिलेगा आपको, तो यदि मान लीजिए कि इसमें आपका दिया हुआ है तो जो मेन क्लॉज होगा तो वहाँ पे भी हम लोग वुड का यूज़ करेंगे, और साथ में आपका जैसे कि हैव का यूज़ करेंगे और वर्ब का वी थ्री फॉर्म यूज़ करेंगे। तो जैसे आपका एग्जाम्पल है कि इफ़ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, तो यहाँ पे जैसे जैसे कि आपका यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका है ये बेसिकली, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे वुड और हैव का यूज़ किया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं, इसके जो बेसिकली जो तीन टाइप्स जो होते हैं, तीन कंडीशन बेस्ड होते हैं, तो ये आप लोग इसको याद रखना। अब आइए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे आइए, जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है कि इफ़ आई न्यू व्हाट ही वांटेड आई डैश दिस। तो देखिए यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस आपका बन रहा है इफ़ के साथ में, अब यहाँ पे आपका जैसे कि न्यू दिया हुआ है, तो देखिए न्यू आपका है तो ये आपका किस में है, तो यदि आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखे होंगे तो ये आपका जैसे कि पास्ट फॉर्म में आपका दिया हुआ है। तो जब भी पास्ट फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस में आपका होता है इफ जो आपका है यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस जो आपका है बेसिकली, तो उसके साथ जो मेन क्लॉज जो हम लोग यूज़ करते हैं तो वो आपका यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हम लोग उसमें वुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, वुड देखिए आपका इसमें आपका दिया हुआ है और एक आपका इसमें है, तो सेंस आपका क्या होगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या आप यूज़ करेंगे कि आई वुड नॉट परमिट दिस, तो यानी कि जैसे कि वुड हम लोग यूज़ करते हैं और वर्ब का उसमें वी वन फॉर्म आपका रहता है, तो ये चीज़ आप लोग याद। फिर देखिए अगला है कि यू डैश एन एक्सीडेंट इफ़ यू गो ऑन ड्राइविंग लाइक दैट। तो यहाँ पे देखिए आपका जैसे कि ये भी कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस है, इसमें भी आपका इफ दिया हुआ, इफ के साथ आपका लगा हुआ है। तो देखिए इफ के साथ आपका यहाँ पे सबसे पहले टेंस पहचानिए कि ये कौन सा, मतलब कि ये टेंस का किस फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिए आपका जैसे कि इफ़ यू गो ऑन ड्राइविंग लाइक दैट है, तो ये आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट में आपका है यहाँ पे बेसिकली। तो यहाँ पे जब आपका जैसे कि सिंपल प्रेजेंट में आपका है तो इसके साथ जो आपका मेन क्लॉज यूज़ करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग उसको सिंपल फ्यूचर में रखते हैं।
तो सिंपल फ्यूचर में रखने के लिए देखिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, इसमें विल आपका रहेगा उसमें, और साथ में आपका जैसे कि हैव आपका रहेगा इसमें, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि हम लोग इसमें क्या यूज़ करते हैं कि जैसे विल प्लस इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं, तो क्या आपका आंसर हो जाएगा कि यू विल हैव एन एक्सीडेंट इफ़ यू गो ऑन ड्राइविंग लाइक दैट। तो यहाँ पे इफ क्लॉज के साथ जैसे कि आपका सिंपल प्रेजेंट में था, तो हम लोग जो मेन क्लॉज है उसको किस में रखेंगे, हम लोग उसको सिंपल फ्यूचर में रखेंगे। तो इसमें सिंपल फ्यूचर वाला आपका एक ही वर्ड आपका इसमें विल के साथ लगा हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना होगा कंडीशनल सेंटेंस को कि किस तरीके से है, हम उसको सेंटेंस में पहचान सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि द हेडमास्टर डैश टू टॉक टू यू। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है कि सिंस कोई फैक्ट है आपका, यानी कि जैसे हेडमास्टर है वो टॉक करना चाहते हैं, तो ये आपका क्या है, एक सिंपल फैक्ट है। तो देखिए जब भी कोई फैक्ट्स का जैसे बात होती है तो उसको हमको हमेशा सिंपल प्रेजेंट पे रखना होता है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट वर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, यानी कि द हेडमास्टर वांट्स टू टॉक टू यू। अब यहाँ पे देखिए आपको वांट और वांट्स में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे हेडमास्टर जो है आपका ये क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, यानी कि सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब यूज़ यानी कि जो भी यूज़ करेंगे हम लोग, तो वो भी आपका क्या होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए जो आपका नाउन होता है तो यदि हम उसमें एस लगा देते हैं तो आपका प्लूरल बन जाता है, लेकिन जब वर्ब आपका होता है तो वो उसमें यदि हम लोग मान लीजिए कि एस लगा देते हैं तो वो आपका क्या, बस सिंगुलर बन जाता है, लेकिन वो बिना एस का होता है तो वो आपका प्लूरल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपका है कि बॉयज़, बॉय आपका है, तो बॉय आपका क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, लेकिन उसमें यदि हमने एस लगा दिया तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका प्लूरल हो जाएगा, यानी कि बॉयज़ हो गया। अब जैसे कि आपका प्ले है, तो प्ले में आपका क्या है, यहाँ पे सिंपल वाई है, तो इसमें हमने एस नहीं लगाया, तो ये आपका क्या होगा, वो प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन उसमें यदि हमने एस लगा दिया कि जैसे आपका बॉयज़ प्लेस हो गया आपका वहाँ पे, तो उसमें देखिए आपका क्या हो जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा। उसमें हम क्या यूज़ करेंगे कि बॉय प्लेज यूज़ करेंगे, क्योंकि एक सिंगल बॉय के बारे में बात कही जा रही है, और प्ले मतलब है वो भी क्या होगा, तो सिंगल होगा, तो उसमें एस लगाएंगे हम लोग। तो इसी तरीके से यहाँ भी हेडमास्टर आपका क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसी तरीके से जो वर्ब यूज़ करेंगे हम लोग तो वो भी सिंगुलर यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंस आपका वांट्स है, तो इसमें हमने एस लगा हुआ देखा यहाँ पे, तो ये आपका क्या होगा, ये सिंगुलर होगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वर्ब पे भी पहचानना होगा, वर्ब पे भी ध्यान देना होगा। तो हालांकि इसका क्लास जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका है। तो फिर अगला देखिए आपका है कि सिक्स्थ वाला कि जैन डैश विथ हर पेरेंट्स। तो देखिए ये आपका जैसे कि बोला जा रहा है कि जैन जो है अपने पेरेंट के साथ रहता है, या फिर तो इस तरीके का देखिए क्या एक परमानेंट टाइप का सिचुएशन है या कंडीशन है, क्योंकि इसमें देखिए जो जैन है तो वो तो अभी भी पेरेंट के साथ रह रहा होगा, हमेशा रहेगा। तो इसमें जैसे कि क्या होता है, एक तरीके से ये आपका क्या हो गया कि ये एक जैसे कि आपका क्या होगा, परमानेंट जैसे बेस्ट एक्टिविटीज़ हो गया। तो जब भी कोई इस तरीके का जो सेंटेंस आपको मिलेगा तो उसको हमेशा हम लोग उसको सिंपल प्रेजेंट में ही रखते हैं, तो इसमें भी जो सिंपल प्रेजेंट वर्ड आपका यूज होगा, तो इसमें आपका जैसे कि हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लिव्स का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगला आपका है कि वी डैश ग्रीस नेक्स्ट मंथ। तो इसमें देखिए आपका जैसे कि बात कही जा रही है कि जैसे हम ग्रीस जाएंगे नेक्स्ट मंथ में, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है कि जैसे फ्यूचर के बारे में बात कही जा रही है, नेक्स्ट मंथ आपका है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड हो चुका है, यानी कि फ्यूचर में जो इवेंट है वो फिक्स है कि वो जाना ही है। तो जब भी आपका इस तरीके का सेंटेंस आपको देखने को मिलता है कि जहाँ पे कोई एक्टिविटी है या फिर कोई ट्रिप हो जो मतलब ऑलरेडी फिक्स्ड है, वहाँ पे जाना ही है, तो वहाँ पे हमको यहाँ पे क्या यूज़ करना होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको टेंस का जो रूल आपको बताया था, तो वहाँ पे ये भी चीज़ मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई फ्यूचर का एक्टिविटी यदि फिक्स हो, यानी कि कार्यक्रम कोई फिक्स हो, तो हमको उसमें किस फॉर्मेट में रखना होगा, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखना होगा। तो इसमें देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला आपका कौन सा हो जाएगा, तो आर विजिटिंग आपका हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो कैसे हम इसको पढ़ेंगे कि वी आर विजिटिंग ग्रीस नेक्स्ट मंथ। तो आप लोगों को थोड़ा सा टेंस पे ध्यान रखना होगा, और जो रूल मैंने आपको बताया था, जो चीज़ वहाँ पे हमने आपको बताया था, तो वो चीज़ भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि देखिए ये फिलर में आपको वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं यदि आप लोग अच्छे से नहीं पढ़े होंगे। तो एटलीस्ट जितना मैंने आपको बताया उतना तो एक बार आप लोग जरूर पढ़ लेना। फिर देखिए अगला आपका है कि द मून डैश अराउंड द अर्थ। तो यहाँ पे भी देखिए जैसे कि मून के बारे में कहा जा रहा है कि वो अर्थ के अराउंड जैसे कि क्या, वो तो रिवॉल्व भी करता है बेसिकली, तो ये भी क्या एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको भी हम लोग सिंपल यानी कि इसको सिंपल प्रेजेंट पे रखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कोई हैबिचुअल एक्शन होता है या फिर कोई जो यूनिवर्सल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो
तो उसको हमें हमेशा मतलब कि सिंपल प्रेजेंट में रखना होता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल प्रेजेंट वर्ड आपका क्या हो जाएगा, इसमें रिवॉल्व आपका हो जाएगा, तो यही इसमें हम यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए आपका मून आपका जैसे दिया हुआ है, तो मून भी एक सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पे जैसे कि सिंगुलर वर्ब भी हमने इसमें यूज़ किया, जैसे कि आपका रिवॉल्व दिया हुआ है, यदि इसमें सिर्फ रिवॉल्व होता, एस नहीं होता, तो वो आपका क्या होता है यहाँ पे, रॉन्ग आपका होता बेसिकली। तो आपको इस पर भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले हेडमास्टर वाले में आपको बताया था, तो यहाँ पे सिंस मून सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने रिवॉल्व्स एस के साथ जो आपका भाव यहाँ पे है वो हमने यूज़ किया है। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जैसे प्लानट रहता, तो प्लानट का जैसे कि आपका बहुत सारे होते, तो उसमें हम लोग वहाँ पे रिवॉल्व सिर्फ यूज़ करते, क्योंकि तो वो जो रिवॉल्व आपका है वो क्या हो जाता है, वहाँ पे प्लूरल हो जाता। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा इसमें। अब देखिए अगला है कि दिस टाइम टुमारो आई डैश ऑन द बीच। तो यहाँ पे देखिए जैसे टुमारो की बात कही जा रही है कि दिस टाइम टुमारो, तो यहाँ पे मतलब जैसे फ्यूचर के बारे में बात कही जा रही है, तो यहाँ पे कोई जैसे कि कोई एक एक्टिविटी है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे मतलब कि वो प्रोग्रेस में होगा। तो जब भी कोई ऐसा एक्टिविटी आपको देखे, मतलब कि आपको इंडिकेशन मिले सेंटेंस में कि कोई एक्टिविटी है जो कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रोग्रेस में होगा, तो उसके लिए हम लोग यानी कि उस सेंटेंस को हमको बनाना होता है, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमको बनाना होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस जो आपका फॉर्मेशन इसमें कौन सा वाला है, तो इसमें देखिए विल बी लाइंग जो है आपका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आपका जैसे कि कैसे पढ़ेंगे हम लोग कि दिस टाइम टुमारो आई विल बी लाइंग ऑन द बीच। तो यहाँ पे जैसे बीच पे जैसे कि वहाँ पे बोला जा रहा है कि वो वहाँ पे लाई करेगा, तो यहाँ पे क्या आपका था सेंटेंस आपका बेसिकली जैसे कि फ्यूचर में आपका बात कही जा रही थी, और एक कोई एक निश्चिंत जो है मतलब कोई एक्टिविटी है जो कि प्रोग्रेस में होगा एक निश्चिंत या फिक्स टाइम पे, तो हमेशा हम इस सेंटेंस को किस में रखते हैं हम लोग, तो वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगा। तो ये चीज़ रूल में मैंने आपको बताया था, तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। फिर देखिए अगला है कि सी से दैट कि सी डैश हेल्प मी। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है कि ये भी कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस है, तो इसमें आपका जैसे कि दिया हुआ है जो आपका यहाँ पे है कि जो कि कंडीशनल जो आपका क्लाउज यहाँ पे है, तो वो आपका क्या है पास्ट फॉर्म में है, तो इसी के चलते जो बाद में हम लोग यूज़ करेंगे तो वहाँ पे वुड का यूज़ करेंगे, यानी कि वो भी आपका पास्ट फॉर्म में ही होना चाहिए। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, वुड का यूज़ करेंगे हम लोग। तो इस तरीके से देखिए जो आपका यहाँ पे टेंस बेस्ड जो एक्सरसाइज था वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसके बाद देखिए हम लोग ये तो आपका जैसे टाइप वन था, टाइप टू में हम लोग इसके और भी क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एक्चुअल पेपर में भी आपको देखने को मिलेंगे। उसमें हम लोग जैसे कि एरर देखेंगे, जैसे आपका अंडरलाइन किया हुआ वर्ड रहेगा और आपको उसमें एरर पहचानना होगा। तो इसी तरीके से है देखिए इंग्लिश का हमने टारगेट लिया है कि यह आपका हम 15 तक ख़त्म कर देंगे, तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।